हेलो दोस्तों, मैं हूं जुल्फ़िकार अली। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं बैलेंस इंक्वायरी की। दोस्तों, किसी भी बैंक के अकाउंट की बैलेंस इंक्वायरी, आईएफएससी कोड, अन्य कोई भी जानकारी दोस्तों आप घर बैठे मोबाइल से ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊँगा जिससे आप घर बैठे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से दोस्तों कोई भी बैंक की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप हमारा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने गूगल प्ले स्टोर पर चलते हैं। दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पर जाकर दोस्तों हमको सर्च में डालना है दोस्तों बैलेंस इंक्वायरी। बैलेंस इंक्वायरी बैंक अकाउंट, दोस्तों सर्च कर देना। दोस्तों ये देखिए आप, जो दोस्तों आप फोर्थ नंबर की एप्लीकेशन देख रहे हैं ना दोस्तों, बैलेंस इंक्वायरी बैंक अकाउंट, दोस्तों इसको हमको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। दोस्तों इस एप्लीकेशन से आप आसानी से बैलेंस इंक्वायरी ले सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन भी है। दोस्तों चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ओपन हो रहा है, लोडिंग लिख कर आ रहा है। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम, दोस्तों ये ओपन हो गया, इसका फेस इस तरह दिखेगा। दोस्तों अगर हमको आईएफएससी कोड लेना है किसी भी बैंक का दोस्तों, तो इसमें लिख कर आ रहा है ना दोस्तों आईएफएससी कोड। दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं आईएफएससी कोड पर। दोस्तों इसमें कुछ मांगेगा दोस्तों, इसको पूरा करना है। दोस्तों इसमें लिखा है बैंक नेम। दोस्तों हमें जिस भी बैंक का आईएफएससी कोड चाहिए दोस्तों, हम उस बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों मैं एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों स्टेट नेम मांग रहा है। दोस्तों आप स्टेट, जिस भी स्टेट के हैं आप या जिस भी स्टेट की आपकी, आपको बैंक की आईएफएससी कोड चाहिए दोस्तों, आप स्टेट सेलेक्ट कर लें। मैं दोस्तों उत्तर प्रदेश कर लेता हूँ। दोस्तों इसमें डिस्ट्रिक्ट भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपको दोस्तों आईएफएससी कोड चाहिए है। डिस्ट्रिक्ट के बाद दोस्तों ये ब्रांच मांगेगा दोस्तों, इसमें आप ब्रांच भी सिलेक्ट कर लें। दोस्तों इसके बाद सर्च कर दें आप। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह खुल गया है। दोस्तों इसमें सारी डिटेल आ गई है। दोस्तों आईएफएससी कोड आ गया है। दोस्तों एमआईसीआर कोड आ गया है। दोस्तों एड्रेस आ गया है। कॉन्टैक्ट भी आ गया है। दोस्तों आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बैग आते हैं। दोस्तों अगर हमें किसी भी सामान्य पर्सनों की जानकारी लेनी है दोस्तों, तो इसमें पर्सनों के लिए भी एक ऑप्शन दिया है। दोस्तों ये लिखा है इसमें सामान्य पर्सन। दोस्तों इस पर क्लिक कर इसमें सेलेक्ट लैंग्वेज, दोस्तों हिंदी इंग्लिश, आप जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहें, मैं हिंदी कर लेता हूँ। दोस्तों आप सेलेक्ट कर दोस्तों कोई भी किसी भी बैंक की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों लोडिंग हो रहा है दोस्तों ये। दोस्तों नेफ्ट की जानकारी ले सकते हैं आप। दोस्तों आरटीजीएस की जानकारी ले सकते हैं दोस्तों इससे। सेविंग करंट अकाउंट क्या है दोस्तों, ये सारी चीज़ें दोस्तों, चलिए मैं देख लेता हूँ सेविंग करंट अकाउंट क्या है। दोस्तों सेविंग करंट अकाउंट पर हम क्लिक करते हैं। दोस्तों सारी जानकारी मिल जाती है, सेविंग अकाउंट क्या है और करंट अकाउंट क्या है। दोस्तों ये सारी जानकारी, कितने से खुलेगा ये, कहाँ, सिटी, टाउन, ब्लेज, कितने में, क्या, सारा दोस्तों उसमें सारी डिटेल दी हुई है। दोस्तों चलिए बैग आते हैं। दोस्तों अब चलिए दोस्तों, अब सभी बैंकों के लिए बैलेंस, दोस्तों बैलेंस इंक्वायरी हमको करनी है। दोस्तों हमारा मेन टॉपिक बैलेंस इंक्वायरी है। तो दोस्तों ये दिख रहे हैं ना आप, ऑल बैंक बैलेंस, इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों हमें जिस भी बैंक की बैलेंस इंक्वायरी चाहिए दोस्तों, वो बैंक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों इसमें सारी बैंकें दी हुई हैं। चलिए दोस्तों मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ये हेल्पलाइन नंबर आ गया। दोस्तों इस पर हम क्लिक करेंगे, ये सीधा हमको कॉल में पहुँचा देगा। दोस्तों यहाँ
से हम कॉल लगाकर आसानी से कस्टमर केयर से अपना बैलेंस इंक्वायरी ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों और भी इसमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ग्राहक सेवा नंबर दोस्तों, इस पर क्लिक कर दोस्तों आप गवर्नमेंट मोबाइल कार्ड्स बैंक सारी जानकारी दोस्तों आप ले सकते हैं। इनकम टैक्स हेल्पलाइन सारे दोस्तों, आधार कार्ड सारी चीज़ें दोस्तों इसमें, मोबाइल से आप दोस्तों कुछ मोबाइल लोडिंग हो रहा है दोस्तों, एयरसेल वोडाफोन एयरटेल किससे आप दोस्तों सारे इस ऐप्स में दोस्तों आपकी सारी जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ सकती है सारी चीज़ें इस ऐप्स में दोस्तों दी हुई हैं दोस्तों। इसको आप लोग अनइंस्टॉल करिएगा और चलाइएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हाँ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।